डीएम यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पताल और 9 कोविड केयर सेंटर्स में कुल 1058 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 232 बेड पर मरीजों का उपचार किया जा रहा है एवं 826 बेड रिक्त हैं। कोविड अस्पताल और 9 कोविड केयर सेंटर्स में स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल अनुसार समुचित व्यवस्था की गई है। कोविड केयर सेंटर्स के नोडल अधिकारी ने बताया कि 11 अक्टूबर को शाम 5 बजे की स्थिति में जिला अस्पताल परिसर के कोविड अस्पताल में 80 बेड उपलब्ध हैं, इनमें 43 मरीज भर्ती हैं। इसी प्रकार आईटीआई कुलीपोटा में 150 बेड हैं, इनमें 42 मरीजों का उपचार जारी है। आकांक्षा परिसर जरवे में 100 बेड की क्षमता है, वहां पर 19 मरीजों का उपचार जारी है। शासकीय क्रांति कुमारी भारती महाविद्यालय जेठा शक्ति में 60 बेड उपलब्ध हैं, इनमें 31 मरीज भर्ती हैं। शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम धौराभाठा डबरा में 100 बेड हैं, जिनमें 17 में मरीजों का उपचार किया जा रहा है। आईटीआई अकलतरा में 125 बेड हैं, जिनमें 58 मरीज भर्ती हैं, और आईटीआई भवन महुदा बलौदा में 150 बेड की व्यवस्था की गई है, जिनमें 8 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। दिव्यांग स्कूल पेंड्रीभाठा में 128 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें 14 मरीज भर्ती हैं। कृषि महाविद्यालय बालक छात्रावास भवन जरवे के 35 बेड और शासकीय एमएमआर महाविद्यालय चांपा में 130 बेड सभी रिक्त हैं।